वेलकम, आप सभी का एक बार मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज के हमारे स्पेशल मेनू में है आलू भाजी। चलिए करते स्टार्ट। काफ़ी दिनों से बच्चों ने कहा था कि मम्मा रोज़ आलू का सब्जी कुछ ऐसा बनाओ जो आलू भी हो, क्योंकि बच्चों को तो आलू बहुत पसंद है, बट वो आलू का सब्जी भी ना हो। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया और झटपट मैंने अपने दिमाग से आज एक न्यू रेसिपी निकाला है, जो कि है आलू भाजी। ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी है, बहुत टेस्टी है। तो चलिए करते स्टार्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक पैन लेना है, उसको बहुत से गरम करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है। फिर उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग थोड़ा सा जीरा डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने चॉप अनियन, थोड़ा सा लहसुन, हरा मिर्च को डाल के सबसे पहले उसको अच्छा से हम लोग मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने बड़े बड़े पीसेस में कटा हुआ प्याज उसको डाला है, उसको पहले करेंगे, उसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हमारा प्याज जितना अच्छे से मिक्स होगा उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद फिर वही लंबे लंबे पीसेस में मैंने इसमें टमाटर को भी और शिमला मिर्च को भी कट करके रखा था, वो दोनों को भी हम लोग बारीक से डाल देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि जितना हमारे सब्जी का कलर निखर के आएगा हमारे सब्जी का स्वाद उतना ही अच्छा बनेगा। और फिर अब बारी हमारे मसाले की। मसाला तो आपको पता है कि मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखती हूँ, कुछ नहीं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि कोई मसाला चिपके नहीं। अब आलू भाजी है तो आलू तो होना ही है ना। तो फिर मैंने आलू को बॉयल करके उसके छिलके निकाल दिए हैं, फिर उसको इसमें हम लोग चॉप करके डालेंगे, उसको एकदम खड़े पीसेस में नहीं डालेंगे। और हाँ, वीडियो के आप यहाँ तक बने हुए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो गलत बात है। तो चलिए झटपट कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक पहुंचते रहे, कोई मिस ना हो। और हाँ, इसके बाद फिर अभी नमक डालना भूला नहीं ना आपने। फिर मैंने नमक डाला है स्वाद अनुसार, थोड़ा सा इसे हम लोग 10 मिनट अच्छा से कुक करने के रखेंगे कि ताकि आपस में सब अच्छा से मिल जाए। लास्ट में हमारा इसमें है निंजा टेक्निक, गैस को बंद करके ध्यान रहे। फिर इसमें हम लोग दही डालेंगे, ज्यादा नहीं, बस 2 स्पून। और उसके बाद ये हमारा डिलीशियस आलू भाजी हो गया रेडी। इसे एंजॉय करें, सर्व करें, थोड़ा सा धनिया के पत्ता से गार्निश करें और अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपने बच्चों को इम्प्रेस करें। इसे आप किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व किया है, आप भी सर्व करें। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आके एक बार जरूर बताएगा कि आज का मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर इससे भी प्यारी प्यारी आपके लिए डिशेज लाऊं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, एंजॉय इट, शेयर इट एंड फिर मिलते हैं।